उम्मीद करता हूँ अभी आपको थोड़ी सी राहत मिल रही होगी। जो मतलब मोटो व्लॉग वाली वीडियोस के शौकीन हैं, जिनको मोटो व्लॉग पसंद है मेरा, तो उनको जो है थोड़ी सी राहत मिल रही होगी। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे कमेंट्स में कि भैया कब दिखाओगे वीडियो, आपने तो मोटो व्लॉग करना ही छोड़ दिया है, बाइक को भूल चुके हो बिल्कुल, मतलब हमें मॉडिफिकेशन दिखा दिखा के बोर कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है ये वो। तो अब राहत है भाई, नहीं पहले से आराम है। तो भाई सीन ऐसा है, वो कहते नहीं जैसे को तैसा, सेम एडिटिस, देखो देखो मरने को आ रहा है, तो सेम एडिटिस जो है ना भाई, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ किया है, ठीक है। अब वो क्यों मैं आपको बता देता हूँ भाई। जब मैं पहले एक होता था ना, शिद्दत के साथ मोटो व्लॉग करता था, आप लोगों के लिए नए नए कॉन्टेंट लाने की कोशिश करता था, अपनी तरफ से 100% देता था, बट आप लोगों को उस चीज़ में दिलचस्पी पता नहीं क्यों नहीं आती थी। मतलब आप लोगों ने ना स्प्लेंडर की गांठ बांध रखी है, मतलब मैं देखो बुरा मत मानना, काफ़ी लोगों ने कर रखा है ऐसा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो ऐसा कंटेंट क्रिएटर भाई, जब कोई मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ उसमें मेहनत लगती है दोस्तों, मेहनत लगती है, तो बड़ी उम्मीद होती है उसमें, फिर रिजल्ट ना मिले ना तो भाई बड़ा दिल दुखता है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा ना मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने कहा हटा यार, जब बंदे देखना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्यों मेहनत करूं बेकार में, मैं अपने घर बैठे यहीं पे गौरव की दुकान पे बैठ के आराम से कंटेंट क्रिएट करूंगा, है ना भाई। देखो तो अब वो चीज़ थी कि वो देख देख के तुम्हारा पेट भर गया, और जब पेट भर जाता है ना तो खाना चाहे कितना लजीज हो आपको मज़ा नहीं आता, आपको टेस्ट नहीं आता, ठीक है। ये सबके साथ है, किस किस के साथ है वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, कि आप गए खाना खाने बाहर होटल में और आपको मनपसंद खाना मिल गया आपको, और वो खाते खाते जी भर गया, फिर उसके बाद वो टेस्ट आता है, नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि ना भाई जब पेट भर जाता है इंसान का तो बस वो कहता है हटाओ इसे, मज़ा नहीं आ रहा, ये इंसान की फितरत है, ठीक है। इसलिए कहते हैं पेट भी पूरा भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए, ये होती है चीज़। सो अभी क्या है कि मैं मोटर व्लॉग दिखाता था आपको, अब आप लोगों की डिमांड थी सिर्फ भैया स्प्लेंडर की वीडियो दिखाओ, सिर्फ स्प्लेंडर की वीडियो दिखाओ, मॉडिफाई दिखाओ, मॉडिफाई दिखाओ, भाई मोटो व्लॉग कर रहा हूँ वो भी तो देख लो, लेकिन नहीं वो देखना ही नहीं है भाई लोगों को। इस वजह से मैंने मोटो व्लॉग की हाथ, मतलब होता ना क्या, वाला रास्ता पकड़ लिया मैंने, और उसके बाद जो है मैंने बंद कर दिया मोटो व्लॉग करना, मैंने हटाओ जब कोई फ़ायदा नहीं होता फिर मैं क्यों मेहनत करूँ, वाई शुड आए। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हुई, बट अभी जो है मैं देख रहा हूँ भाई काफ़ी लोग जो है बोर हो चुके हैं मॉडिफिकेशन वाली वीडियो पे, लेकिन ऐसा नहीं है वो वीडियो बंद हो जाएंगी, वो बंद नहीं होंगी वीडियोस, बिकॉज यार देखो गौरव भी थोड़ा सा हमारे पे डिपेंड रहता है, तो इस वजह से वो वीडियो बंद नहीं होंगी। हाँ ये है कि ऑल्टरनेट चलेंगी, मोटो व्लॉग भी आएगा, राइड्स की वीडियो भी आएंगी, और मॉडिफिकेशन की भी वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी ऑडियंस ही कह रही है कि भाई मोटो व्लॉग मत करो और मॉडिफिकेशन दिखाओ, तो मिक्स मैच हो रहा है मामला, 50-50 हो रहा है, 20-50 हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई अभी तक की अपडेट कि मैं मोटो व्लॉग क्यों नहीं कर रहा था। तो प्लीज़ भाई अपना जो है ना पूरा पूरा सपोर्ट दिया करो, वीडियो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ सीखोगे नया या कुछ ना कुछ जानोगे, बेसिकली ये है, ठीक। तो इसलिए भाई मोटो व्लॉग किसी भी बाइक का, मैं तुम्हें बोलता हूँ हमेशा कि बाइक लवर बनो यार, ये स्प्लेंडर लवर मेरी नज़रों में ना, मैं बोल दूंगा फिर आप दिल से जाओगे, स्प्लेंडर स्प्लेंडर कुछ भी नहीं है भाई, बाइक लवर बनो, ठीक है। मशीन है यार ये सब, अब ये हंक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें हंक के भी दीवाने हैं, तो पहले आज मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ हंक से, क्योंकि इसके बहुत दीवाने हैं जो भाई बोलते थे भाई हंक को दिखाओ, तो लो भाई आपकी जान, हंक मेरे पास है, ये देखो साफ़ सुथरी एकदम बढ़िया, अभी सर्विस कराई है इसकी भाई, सर्विस कराई और इंजन ऑयल चेंज हुआ, इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ और स्पार्क प्लग चेंज हुआ, बस ये चीज़ें हुई हैं, बाइक वॉश कराई, गाड़ी देख लो चल रही है आपके सामने बढ़िया तरीके से, तो वो चीज़ है, कुछ नहीं है, बाइक लवर बनो यार। आप लोग जो स्प्लेंडर स्प्लेंडर करते हो, मेरे को भाई गुस्सा आती है, मैं किसी दिन उठा के अपनी खुशी को बेच दूंगा। हाँ नहीं तो यार स्प्लेंडर नहीं हो गई, बवाल हो गई। तो अभी जो है ना फिलहाल भाई हंक पे चल रहे हैं अपन, 2008 मॉडल रहने वाली है, ठीक है जी, और बाइक में अभी भी कोई कमी नहीं है, मतलब इंजन एकदम साइलेंट है, आप सुन पा रहे हो फालतू आवाज़ नहीं आ रही बाइक में से, ठीक है। बस हाँ ये है कि भाई देखो 2008 के सबसे मॉडल जो है बहुत पुराना हो चुका है, बस ख़त्म होने वाला अगले साल ये, अभी इसका स्पीडोमीटर वर्किंग नहीं है, ये जो फ्यूल गेज है ना ये भी वर्किंग है और नहीं, मतलब ऑन एंड ऑफ चलता है, कभी मन होता तो खड़ा हो इसका पेट्रोल का वो दिखाता है पूरा पूरा, और नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो बाकी और बाकी इंजन एकदम वर्किंग है, सेल्फ वर्किंग है, बट सेल्फ के कार्बन अगेन बोलूँगा वो भी ख़राब हो गए, ठीक है, बाइक चलती नहीं है वैसे यार, बस ये है। बाकी टायर वायर दोनों नए डले हुए इसके, मतलब एकदम ओके चलती है, थोड़ी भगाए क्या बात है, लो जी गोली, क्या बात है जी क्या बात है, और क्या लोगे भाई इस बाइक से, इतनी पुरानी हो, इतनी मक्खन चल रही है, धुआं तो नहीं धरी, नहीं धुआं हुआ कुछ भी नहीं है भाई,
तो भाई एकदम बड़े चल रही है, कंफर्टेबल इसमें हैंडल डाला हुआ है, तो जितने भी हंक लवर वाले भाई हैं उनको भाई सेटिस्फाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो भी आराम पड़ जाए उनके सीने में, कलेजे में ठंड पड़ जाए, वो कह रहे भाई कब आएगी वीडियो, नहीं तो भेज दो। तो भाई साहब अब मैं उनको थक गया था बोल बोल के कि भाई आ जाएगी वीडियो, आ जाएगी वीडियो, लेकिन मैंने क्या दानिश कब तक लटकाएगा यार, चल काम करा ही लेते, तो इसलिए भाई साहब काम करवाया, स्टार्ट कराई, आप लोगों के लिए आ चुकी है। ठीक है, अब बात रहती है मॉडिफिकेशन की, तो देखो यार एक बात बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, मैंने आपके सामने बनाई थी अपनी कैफे रेसर स्प्लेंडर जो बनाई है मैंने कैफे रेसर, भाई उसमें काफ़ी पैसा लगा दिया, 25-30 हज़ार रुपये लगा दिए। ठीक, अब लगाने के बाद वो कहाँ खड़ी है, गौरव की दुकान पे। ठीक है, निकलती कब है, 2 महीने में एक बार मेरे को अगर हो गया कि चल यार आज पे मोटर लॉक कर लेते हैं, तो जब निकलती है अदरवाइज वो खड़ी रहती है। अब आप बताओ ये गाड़ी रनिंग कंडीशन में है, ठीक है, चारों इंडिकेटर इसके चालू हैं, चारों इंडिकेटर जुड़े हुए हैं, टायर दोनों नए हैं, इंजन वाइज ओके है, दिखने में भी ठीक ठाक ही है, बस थोड़ी बहुत रैप की बात करूँ तो रैप यहाँ से ख़राब हो गई है, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। और ये कवर आप जो देख रहे हो भाई, ये केरल वाला स्टाइल है, ज़्यादातर केरल की बाइक में होता है लगा हुआ ये, क्योंकि वो यहाँ पे सामान वामान कैरी कर लेते हैं, एज अ टैंक बैग यूज़ करते हैं इसको, तो ये मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि हंग के अंदर, पल्सर के अंदर, जिनके अंदर गले ऐसे आते हैं ना, जो यूँ खुलता है गैस कैप जो होता है वो यूँ खुलता है, उसके अंदर ज़्यादातर ना चांसेस होते हैं पानी आने के, सो दैट मैंने सोचा कि यार जब ये चलती थी तो मैंने इसमें ये लगवा दिया था ताकि पानी अंदर ना आ जाए, दैट्स वाई ये लगा हुआ है, बाकी और कोई कमी नहीं है। तो आप बताओ मुझे कि इसमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसको ऐसे रखें बस मोटो व्लॉग करते रहें, इस पर थोड़ा घुमाते रहें फिराते रहें, बस ये करते रहें इसको। ठीक है, तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, देखो जिसके मतलब जिस टाइप के ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वो थोड़े से हम ग्रैब करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग इसमें पैसा लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, या फिर इसको ऐसे रखेंगे, या फिर जैसा भी होगा वो टाइम के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल बस आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाँ दानिश भाई इसमें ये करो या इसे ऐसी रहने दो या जो भी है। ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है दोस्तों, बातें बहुत हो गई हैं, गला सूख रहा है यार तुम्हारा भाई ना, डिहाइड्रेशन यार मेरी जान, क्या बात है भाई, एक नंबर भाई, जो थूका है ना बड़ा सही लगा यार, कमाल है यार, शर्मिंदा हो गया बंदा, होने दो बंदे को शर्मिंदा यार, मतलब तुम लोग गुटका वुटका खाते हो कम से कम, ये तो नहीं, ये उसे पी लो यार। उसे पी लो या फिर एक काम करो साथ में गार्बेज बैग रख लो उसमें थूक दो, हैं कमाल है यार, रोड पर उठा के पिच। रेड लाइट हो गई, चलो थूक ही लेता हूँ। भाई साहब सितंबर हो चुका है, सितंबर की आज मेरे ख्याल से 4 तारीख है, और 4 तारीख के हिसाब से देखूं तो भाई साहब धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब थोड़ा सा यार चेंजेस आना चाहिए क्लाइमेट में यार, थोड़ा बहुत तो ठंडा होना चाहिए, एटलीस्ट धूप ही कम हो जाए यार, देखियो एकदम चमक के आ रही है भाई साहब, मेरे हाथ जल रहे हैं, हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनी है मैंने और हाथ जल रहे हैं, मतलब टैनिंग होने वाली है मुझे लग रहा है अच्छी खासी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ऐसे धूप में निकला हूँ बाइक लेकर, तो भाई हाथ भी जल रहे हैं, मतलब एक होता है दोस्तों आदत ही खत्म हो जाती है, आप यूज़ टू नहीं होते हो, मतलब एकदम से, अब मैं यूज़ टू कहता नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, बट अभी क्या मोटो व्लॉग कर रहा हूँ तो हाथ जल रहे हैं, ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने, ऐसे आ गया मैं तैड़ फैड़, ठीक है तैड़ फैड़। तो सीन ही है अभी जो है भाई, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मोटो व्लॉग की तो उसमें फुल कवर कर निकलूँगा, इवन मैं ग्लव्स भी कैरी करूँगा साथ में, वेयर कर लेंगे ग्लव्स भी, पहन लेंगे, रखना क्या साथ में, पहन ही लेंगे, है ना भाई, तो जो भी है ठीक है, बाकी यहाँ तक वीडियो देख लो, जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, बाकी इस एरिया का नाम है लाजपत नगर, आई गेस 4 है ये, ठीक है, मतलब इधर वो भी लगता है क्या बोलते हैं अपना कैलाश कॉलोनी, अमर कॉलोनी है कैलाश कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी है ये आई बताता हूँ आपको मैं, वैसे अमर कॉलोनी है, देखो अमर कॉलोनी लिखा हुआ है ना, तो अमर कॉलोनी लाजपत नगर 4 है ये, ठीक है, और बाकी भाई शाम के टाइम यहाँ हो तो अलग ही जलवा मिलता देखने को, मतलब जलवा मीन्स खाने वाने का, ठीक है, कुछ और मत समझना, अच्छा खासा फूड कोर्ट है यहाँ पे, बढ़िया एकदम जहर, जब भी यहाँ पे आओ तो भाई शोरमा रोल, चौरंगी लेन के रोल्स, क्या हा क्या ख़तरनाक होते हैं, टुंडे कबाब, मज़ा ही आ जाता, नन्ने भाई के गोलगप्पे, नन्ने भाई के गोलगप्पे, मतलब वो इतने टाइम से गोलगप्पे बेच रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बहुत साल से बेच रहे हैं और मैं तो काफ़ी छोटी उम्र से गोलगप्पे बेच रहा हूँ भाई, तो मतलब जो उसके नेल्स है ना बंदे के, नन्ने भाई के, उनके नेल्स हो गए ये वाले सारे के सारे हरे हो चुके हैं, समझ रहे हो, मतलब जो नींबू पानी और नींबू पानी के गोलगप्पे का जो पानी होता है, और भाई और भाई इतनी तेज़ की जा रहा है,
आराम से उठा लियो अपना ऑर्डर मेरे भाई, नहीं डिलीवर करना उसको। दो दो पन्ने लटकी हुई थी उसकी स्कूटी पे। तो नन्हे भाई के जो हाथ है ना भाई, मतलब वो नेल्स जो है उनके हरे पड़ चुके, जैसे हमारा पिंक पिंक दिखाई दे रहे हैं ना, उनके हरे पड़ चुके हैं। मतलब उनकी जो मतलब नेल्स में नेल्स की जो रगे हैं, मतलब जो उनकी नसें हैं, उसमें गोलगप्पे का पानी समा चुका है दोस्तों। क्या कह रहा हूँ, आज बहुत मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे ठीक है यार, हंसते खेलते रहो मस्त, और क्या है। अपनी वीडियो में, अपने मोटो व्लॉग्स में, अपनी वीडियोज़ में ज़्यादातर यही तो होता है कि भाई मैं थोड़ा सा ऐसी बातें करता हूँ जिससे बंदे को हंसी आ जाए, थोड़ा दिल लगा रहता है, बंदा चुपका रहता है वीडियो से, यही तो होता है और क्या होता है। और ये होना चाहिए, थोड़ी कि मैं सीरियस होकर वीडियो देख रहे थे बुत बन के, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है ना। हंसती हंसते खेलते रहो, है ना भाई, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो फिलहाल यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ज़रूर लाइक करना भाई, और दोबारा अपील करूँगा चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाकी राइड की बात करूँ तो देखो राइड होने वाली है, आप लोगों को बता दूँ अभी से ही, देखो कभी भी जा सकता हूँ कुछ नहीं पता, ठीक है। तो राइड होगी मे बी उत्तराखंड की, ठीक है, और हफ्ते 10 दिन की राइड होगी। तो हफ्ता 10 दिन में भी वीडियो ना आए तो भाई आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं भाई, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे बहुत सारी ना आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी अलग अलग जगह की, ठीक है, राइड्स वगैरह की। तो वो जाके देख लेना कैटेगरीज जो आपको पसंद आए, चाहे बाइक से जुड़ी जानकारी वाली देखनी है वो देख लेना, लद्दाख सीरीज़ देखनी है वो देख लेना, स्पीति देखनी है वो देख लेना, केदारनाथ सीरीज़ दो दो बना रखी है वो देख लेना, जो आपको मन करे वो देख लेना। इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको चाहिए वो आपको मटेरियल मिल जाएगा अपने चैनल पर। तो जब कभी वीडियो ना आया करे मेरी तो भाई पुरानी वीडियो देख के अपना जो है ना वो दिया करो, क्या बोलते हैं उसे, जो बोलते हैं वो समझ जाओ, अपना सपोर्ट मतलब करा करो, बस बेसिकली ये है, ठीक है। तो फिलहाल इसी नोट पे वीडियो को एंड कर देता हूँ, ज़्यादा लंबी खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो हंक लवर वालों के लिए भाई हंक आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी मोटो व्लॉग्स आते रहेंगे भाई। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के देखो कि स्प्लेंडर लवर मत बनो, मत बनो। आज तुम्हारी हैसियत, बुरा मत मानना, हैसियत या तुम्हारी पॉकेट अलाउ स्प्लेंडर तक कर रही है, तो ये नहीं कि आप स्प्लेंडर पर सीमित रहोगे ना। अरे जब पॉकेट आपकी अलाउ करे तो आप बड़ी बाइक लो यार, बड़ी बाइक का अलग मज़ा है, जलवे हैं उसके, हाथ ऐसे करते गाड़ी व्हीली पॉप अप, ओके की रिपोर्ट, अट्रैक्शन, पावर, परफॉर्मेंस, सब चीज़ है। कहाँ फंसे हुए कंप्यूटर में, थोड़ी सी सोच बड़ी करो, स्प्लेंडर से आगे बढ़ो। स्प्लेंडर अच्छी बाइक है, मैंने भी रखी हुई है यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें घुसा रहूँ। तो प्लीज़ भाई मोटो व्लॉग हो या वीडियो हो किसी भी बाइक की, पूरा सपोर्ट दिया करो यार, प्लीज़ सोच बदलो, ठीक है। बुरा मत मानना, अगर बुरा मान रहे हो तो भाई अभी से ही आई एम रियली वेरी सॉरी, कमेंट में सॉरी किसी को नहीं बोलने वाला। अभी बोल रहा हूँ सॉरी तो सॉरी, ठीक है, बुरा लगा हो तो। वैसे बुरा मानने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। चलो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। ये यूलू चलाने का सपना रह जाएगा मेरा, सही बता रहा हूँ। अभी तक यूलू मैंने आज तक किराए पे होता ना जो ले लेते, मतलब सोचता रहता हूँ ले लूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्या ले ली, वीडियो बना दी, लो आप देखोगे नहीं क्योंकि स्प्लेंडर नहीं है। तो इसलिए मैं लेता नहीं हूँ। तो बताना मुझे मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।